हेलो स्टूडेंट, तो अगला यूनिट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टांस टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर है, ये दिख रहा है कंटेनर। एक कंटेनर में दो सबस्टांस है, ए और बी, जिसके मोल दे रखा है। एक का मोल ए है और मोल बी। तो मोल, टोटल मोल कितना होगा? टोटल मोल होगा एन ए प्लस एन बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? तो मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? मोल ऑफ बी अपॉन टोटल। तो यही कराता है मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो अब इसमें जो दो बातें निकल कर आई इंपॉर्टेंट मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, एक तो क्या है कि अगर आप देखिए, पहली जो बात है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर दोनों को हम सम करें तो वो क्या आ रहा है? वन। या इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर तीन कंपोनेंट होते ए बी सी और तीनों का अगर आप मोल फ्रैक्शन जोड़ेंगे तो वो भी क्या होगा? वन के ही बराबर आएगा। तभी यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि जितने भी कंपोनेंट हैं, मान लीजिए कि एन कंपोनेंट हैं तो सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा एक के क्या होता है? बराबर होता है। तो एक तो पहली ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक, यहाँ तक क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो हमेशा वन के बराबर होता है। और दूसरी बात, सॉल्यूशन में यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जीरो से बड़ा होगा और एक से क्या होगा? छोटा होगा। यानी जीरो और वन के बीच में लाई करता है। ये कभी जीरो भी नहीं हो सकता है और ये कभी वन के बराबर, ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर बेस? 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट फॉलोइंग। पहला मास बाय मास परसेंट, दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया और तीसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो अगर पहला पार्ट करें, मास बाय मास परसेंट कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 30 और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? दैट इज 30 प्लस 90 और इनटू 100। तो आंसर आ जाएगा 30 बाई, ये क्या होगा? 120 इंटू 100, ये 4 टाइम गया, यानी कि 25%। तो मास बाय मास परसेंट क्या आ गया? 25%। बी पार्ट अगर करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो सबसे पहले व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया? डेट इज फॉर्मूला क्या है? मोल ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोल ऑफ यूरिया निकालना होगा, वो कितना होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही फॉर्मूला होता है। तो गिवन मास ऑफ यूरिया 30 और मोलर मास ऑफ यूरिया वो कितना होता है? 60, है ना? यूरिया का फॉर्मूला पता ही होगा, NH2CO NH2, ये फॉर्मूला है। तो मोलर मास कितना का? 60। तो यहाँ से आ गया 0.5। और वाटर का अगर मोल निकालें तो वो कितना? वाटर 90 ग्राम और मोलर मास 8, यानी कि वाटर का मोल कितना आ गया? 5। तो क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया? अगेन मोल ऑफ यूरिया इज 0.5 और टोटल मोल क्या होगा? मोल ऑफ यूरिया 0.5 प्लस मोल ऑफ वाटर, दैट इज 5। तो हो जाएगा 0.5 अपॉन 5.5, तो उत्तर आ जाएगा 1/11। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 1/11 है। तो अगला जो पार्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, एक तो तरीका क्या है?
What is mole fraction of water? Mole of water, that is 5 upon total mole, 5.5. उत्तर क्या आ गया? 10/11. या दूसरा तरीका क्या है कि what is mole fraction of water? That is 1 minus mole fraction of urea. That is 1. Mole fraction of urea कितना है? 1/11. उत्तर क्या आ गया? 10/11. ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, एक यूरिया है, तो हमने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा? 1 के बराबर होगा. अभी हमने ये बात पढ़ी. तो अगर यूरिया का मोल फ्रैक्शन पता है तो वाटर क्या करेंगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कर देंगे. तो चाहे आप ऐसे सॉल्व करिए, चाहे इस तरीके से सॉल्व करिए. तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक छोटा सा प्रॉब्लम. ओके, तो अब हम लोग आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. अगला जो टॉपिक है ये है मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं. मोलारिटी का क्या फॉर्मूला है? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यूनिट की बात करें इसकी तो मोल पर लीटर बोलिए, चाहे मोलर बोलिए, चाहे कैपिटल एम से क्या करिए? रिप्रेजेंट करिए. ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला है मोलारिटी का कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, तो एक इसी के ऊपर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन. 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन सफिशियंट वाटर टू प्रोड्यूस 500 ml ऑफ सॉल्यूशन. ओके, तो कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंट. दूसरा पार्ट है मोलारिटी. तो अगेन आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं. पहला जो पार्ट है क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंट. मास बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट कौन है? यूरिया. कितना है? 30 ग्राम. और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि 500 ml है, और हम लोग को इसी में रखना है ग्राम पर ml में, इंटू 100. तो ये 5 टाइम कट गया, उत्तर कितना आ गया? 6. तो ये 6% आ गया आंसर इसका, मास बाय वॉल्यूम. ओके, दूसरा इसी को मोलारिटी अगर हम निकालने का जो फॉर्मूला है तो वो क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. तो अब नंबर ऑफ मोल, तो यूरिया का मोल क्या होगा? तो यूरिया का मोल कैसे निकालेंगे? तो गिवन मास 30 और मोलर मास ऑफ यूरिया 60. ओके, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया आ गया अपॉन वॉल्यूम ml में दे रखा है, तो यू विल कन्वर्ट इन टू द लीटर. तो ये क्या हो जाएगा? 500 ml को जैसे हम 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये लीटर में हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा उत्तर? तो ये अगर आप देखें ऊपर जो होगा 30/60 यानी कि 0.5, और ये 1000 ऊपर चला गया, और नीचे क्या है? 500. तो सिंपल ये कैंसिल हो गया और उत्तर क्या आ जाएगा? 1 मोलर. तो सिंपल आपका जो मोलारिटी आ गया 1 मोलर. तो एक तो मोलारिटी इस फॉर्मूले से निकाल लिया. एक और तरीका है मोलारिटी निकालने का. आगे एक रिलेशन होता है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट अगर हमको पता है तो इससे भी हम डायरेक्ट मोलारिटी निकाल सकते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम परसेंट इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो ये दूसरा तरीका है. ये फॉर्मूला आगे हमने मेंशन भी कर रखा है, और ये फॉर्मूला आप लोगों को 11th क्लास में बता रखा है. तो अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें, मास बाय वॉल्यूम परसेंट मुझे पता है वो है 6 × 10 और मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60. 60/60 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 मोलर. तो हम चाहे इस फॉर्मूले से चाहे ये जनरल जो फॉर्मूला है, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं? सेम आंसर पा सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे हमने मेंशन भी कर रखा है. डायरेक्ट इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अगला जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. बहुत आसान से भी टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन.
क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यूनिट क्या होगा, तो ग्राम पर लीटर ये यूनिट हो गई। तो इसी चीज को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर दे रखा है आपके सामने, 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला पता ही है, C12H22O11, दैट फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, डिजॉल्व इन सफिशियंट वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सोल्यूशन। तो कैलकुलेट फर्स्ट मास बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन और थर्ड मोलैरिटी। तो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्या है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितना मास है, 34.2 ग्राम अपॉन वॉल्यूम कितना है, वो है 200 ml में रखना है इनटू 100, सो दैट विल कैंसिल आउट टू, क्या आ जाएगा 17.1 मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट का आंसर। सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। तो सेकंड पार्ट करने से पहले अगर हम थर्ड पार्ट करें, थर्ड पार्ट के लिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो अगर सीधे वही यूज कर लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 17 पॉइंट क्या पढ़ा था अभी मैंने, मास बाई वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही फॉर्मूला बताया अभी मैंने। अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंट मैंने निकाल लिया डायरेक्ट, तो क्या होगा 17.1 इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना होता है, कितना होता है बताइए, 342, ठीक है, सुक्रोज का मोलर मास 342, ओके। तो अब यहां से देख लीजिए ये 171 ये पूरा कट जाएगा डिवाइड बाय ये 2 टाइम 1/2 यानी कि 0.5 मोलर। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले से हम 0.5 मोलर निकाल सकते हैं अगर हम चाहें, सब वैसे भी निकालना तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल कितना होगा बताइए, तो 34.2 अपॉन 342 ये नंबर ऑफ मोल होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ये हो गया लीटर। तो आप देखिए ऊपर क्या जाएगा 0.1 इंटू 1000 बटा 200, तो देखिए 5 बार गया, ये उत्तर कितना गया 0.5 मोलर। तो चाहे आप इस तरीके से चलिए चाहे इस तरीके से चलिए, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब सेकेंड जो पार्ट है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम तो कितना है 34.2 ही है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किस में, लीटर होना चाहिए। तो वॉल्यूम तो 200 ml है, तो 200 ml को तुरंत आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये जो उत्तर हो गया, ठीक है ना, ये ऊपर चला गया, तो कितनी बार 1034.2 इंटू 5 यानी कि 15, 10, 21 ग्राम पर लीटर। तो ये क्या हो गया स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, यहाँ तक ओके, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है मोलालिटी, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज ये है, ये इकलौती ऐसी यूनिट आई है कंसंट्रेशन की जिसमें नीचे मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है, अन्यथा अन्य जितने भी जगह यूनिट थे या तो मास ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है ना। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पहला एक ही यूनिट है जो इसमें डिस्कस है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नीचे क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी, या इसे क्या बोलते हैं, मोलर, या स्मॉल एम से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट
करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर। 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोरलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होती है मोरलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या होगा। तो गिवेन मास 4, मोलर मास आपको पता है NaOH का कितना होगा, 40। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0.1। और जो मोलालिटी है वो क्या होती है, गिवन नंबर ऑफ मोल दैट इज 0.1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 500 ग्राम में है, केजी में कैसे चेंज करेंगे, तो 10^-3 ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 0.2 मोलर। ठीक है, तो ये हो गई इस सॉल्यूशन की मोलालिटी। ओके,